मऊ जनपद में पुलिस और 50,000 के इनामी बदमाशों के बीच हुआ मुठभेड़। मुठभेड़ में कोपागंज थाना अध्यक्ष की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी गोली, बाल बाल बचे जान। पुलिस की फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को पुलिस ने लाया जिला अस्पताल, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए वाराणसी रेफर किया। चेकिंग के दौरान पुलिस पर थारक कर भाग रहा था बदमाश। अफताब अहमद नाम के बदमाश को पुलिस ने मारी गोली। ब्यूरो रिपोर्ट। जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज एसओजी टीम, स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, थाना दक्षिण टोला की टीम, थाना कोपागंज की टीम को एक अहम सफलता हाथ लगी है, जिसमें दिनांक 7/8/2024 की रात्रि को चेकिंग और देखभाल के दौरान थाना दक्षिण टोला क्षेत्र के गांव रैनी के रैनी बाग में आज प्रातः 4:30 के लगभग पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना मोहम्मदाबाद के मुकदमा अपराध संख्या 87/2024 धारा 31 गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त आफ्ताब सनोफ हलीम निवासी सटिया चौरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, जिस पर कि 50,000 का इनाम था, पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। इसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 वो, दो जिंदा कारतूस 315 वो, दो खोखा कारतूस 315 वो और एक अदद पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। जवाबी फायरिंग में इसके दोनों पैर में गोली लगी है। इसको इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।